हेलो जी, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द गॉस एडिट। सो कैसे हो सारे? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे हमेशा की तरह। सो आज की इस वाली वीडियो में आप सभी के लिए कुछ इस टाइप की इंस्टाग्राम क्रिएटिव फोटो एडिटिंग लेकर आया हूँ, जो कि आप सब इजीली एंड काफ़ी कम टाइम में कर सकते हो। तो चल फिर बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, इस नॉर्मल से बैकग्राउंड मतलब इस ब्लैक से बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट के अंदर ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को ऐड फोटो में चले आना। एंड यहाँ सबसे क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है इंस्टा की लोगो की पीएनजी को, इंस्टा की लोगो की पीएनजी को, ठीक है। तो आप इस पीएनजी को सिंपल यहाँ पे ऐड कर लेना है। इसके साइज को आप इंक्रीज करना है एंड परफेक्ट बैकग्राउंड में यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देना। उसके बाद आप इसे लेके चले आना इरेज वाली ऑप्शन में। देन आपको इरेज में आना एंड यहाँ पे आपको हार्डनेस का अमाउंट को 60 रखना एंड ओपेसिटी अमाउंट को आप सभी को 34-35 रखना एंड साइज को आप कर देना फुल। एंड उसके बाद आपको जो इंस्टा आइकन का जो पीएनजी दिख रही है उसे आप सब हाफ में ऐसा इरेज कर देना। ओके, आप समझ गए। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे आप डन कर देना। ओके गाइस, एंड फिर पूरे जो ये पूरा जो पीएनजी है इसका आप सब ओपेसिटी कम करना, इसके अमाउंट को रखना आप सब अराउंड 25 एंड फिर आप यहाँ पे फाइनल डन करके निकल जाना। ओके गाइस, तो आपको इस तरीके से अपने बैकग्राउंड में इस स्टाइकन पीएनजी को सेट कर देना। एंड उसके बाद फिर आप सभी को ऐड फोटो में आना एंड आपको यहाँ से एक स्क्रेच टाइप की पीएनजी है तो आपको इस पीएनजी को यहाँ पे ऐड करना। सिंपल आप सब इसका भी साइज़ को इस तरीके से इंक्रीज करोगे एंड इंक्रीज करने के बाद आप इसका ब्लेंड मोड पहले चेंज कर लेना। सो ब्लेंड मोड स्क्रीन एंड सिंपल आपको इस तरीके से लेफ्ट में कर लेना है इसे। ओके गाइस, एंड फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, डन कर देना है। ओके गाइस, नहीं, पहले इसका हम लोग ओपेसिटी कम कर देंगे, इसको ओपेसिटी अराउंड 35। ओके, एंड फिर यहाँ पे हम अब डन करेंगे। ओके गाइस, सो ये हो गया। एंड इसके बाद अब जो है हम फिर से ऐड फोटो में आएंगे एंड अपने फ़ोटो को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमारी फ़ोटो किधर गई, ये रही, तो हम यहाँ से सिंपल ऐड कर लेते हैं। एंड हमारा जो फोटो है इसका बैकग्राउंड हम लोग रिमूव करना चाहेंगे तो सिंपल हम लोग अपनी इस फोटो को लेकर चले आते हैं इरेज वाली ऑप्शन में। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट में रहते हुए पर्सन, तो आपको पर्सन पे क्लिक करना एंड बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे फिर डन करना एंड आपका जो ये फोटो रहेगा उसे आप सब यहाँ पे परफेक्ट अपने बैकग्राउंड में सेट कर लेना। यहाँ पे जैसे आप परफेक्ट सेट कर लोगे अपने फ़ोटो को तो फिर सिंपल आप यहाँ पे क्या करोगे, डन करके निकल जाना। ओके गाइस, एंड इसके बाद आप सभी को फिर से ऐड फोटो में आना एंड आपको लास्ट पीएनजी को ऐड करना पिक्सआर्ट के अंदर, तो वो है लाइक की पीएनजी को। तो इस 3D लाइक पीएनजी को लाना एंड इसके साइज को आप लोग इस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज करना एंड फुल बैकग्राउंड में ये सेट हो जाएगा आपके फोटो पे। तो परफेक्ट सेट होने के बाद सिंपल यहाँ पे आप डन कर देना। ओके, एंड अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल अपने फोटो को सेव करना। तो हम सेव कर लेते हैं एंड सेव करने के बाद ओपन कर लेना इस फोटो को आपको लाइटरूम के अंदर। ओके गाइस, तो हमने लाइटरूम के अंदर ओपन कर लिया, आप सब देख रहे हो। तो फिर क्या करना आपको कि अपनी इस फोटो का जो है लाइट वाले टूल में आपको चले आना। लाइट वाले टूल में आ जाते हैं हम एंड यहाँ पर आपको कंट्रास्ट इंक्रीज करना, कंट्रास्ट कमांड को आप सब अराउंड 30 एंड शैडोज को आप सब डिक्रीज करना। ओके, अराउंड 22 रखना एंड उसके बाद एंड कलर वाली ऑप्शन में आपको सामने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, मिक्स में आ जाना एंड यहाँ पे ऑरेंज कलर जो दिख रहा आपको इसका लुमिनेंस को इंक्रीज करना अराउंड 30। ओके, 37-35 ऐसा रखना एंड उसके बाद आपको येलो कलर जो दिख रहा है, अगर आपके फोटो में मतलब आपका टी शर्ट वगैरह पे अगर येलो कलर रहेगा तब ये चीज़ करना है, ह्यू को -100 कर देना ह्यू को एंड सैचुरेशन को आप सब अराउंड -50 ऐसा रखना। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो सियान कलर दिख रहा एंड ब्लू कलर जो दिख रहा और जो पर्पल कलर है एंड साथ में पिंक कलर, ये चारों का आपको क्या करना है ना कि सैचुरेशन -100 कर देना एंड उसके बाद डन करके मिक्स आपको निकल जाना। ओके गाइस, एंड फिर आपको इफेक्ट वाली ऑप्शन में चले आना और यहाँ पे आपको क्वालिटी को इंक्रीज करना है अराउंड 12-13, ठीक है, एंड साथ में विगनेट को माइनस की तरफ करना, इसे आप सब अराउंड 35 रखना, अराउंड -35। एंड उसके बाद फिर आपको चले आना सिलेक्टिव वाली ऑप्शन में। ओके गाइस, और सिलेक्ट वाली ऑप्शन में आने के बाद आपको प्लस के बटन पे क्लिक करना है इधर एंड जो आपको फर्स्ट वाला दिख रहा है ब्रश वाला, आपको ब्रश को लेना है और आपको क्या करना, आपको जो टी शर्ट या शर्ट जो भी रहेगा आप उसके ऊपर सिंपल इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करना। ओके, आप इस तरह ड्रॉ करोगे अपने ब्रश को। तो उसके बाद फिर आप चले आना लाइट वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पे आप सब सिंपल एक्सपोजर को कर दोगे माइनस की तरफ। ओके, एंड फिर से आपको इधर प्लस के बटन पे क्लिक करना है इसके बाद, एंड प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद सर्कल वाले को इस बार लेना है एंड अपने बॉडी के ऊपर ऐसा सर्कल बनाना है एंड होल्ड करना आप सभी को एंड इसे कर लेना इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद आपको सेंटर से सेट कर लेना अपने फेस के ऊपर और उसके बाद लाइट वाले ऑप्शन में आपको चले आना है एंड एक्सपोजर कर देना आपको माइनस की तरफ। ओके,
माइनस आपको रखना है -1.28 ऐसा, एंड उसके बाद डन करके आप निकल जाना, एंड आपका फाइनल रिजल्ट जो है कुछ इस टाइप का दिखेगा। देखो आप सब, सो बिफोर पिक्सार्ट के अंदर आपका फोटो ऐसा था, एंड लाइट रूम के अंदर रिटच करने लाइट रूम से रिटच करने के बाद ऐसा हो गया। सो आपको देख के समझ आ रहा होगा कितनी तगड़ी फोटो हमारी बन चुकी है लाइट रूम के अंदर। सो होपफुली आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से करना, एंड अभी आपके सामने दो और इंटरेस्टिंग वीडियो आते हैं, आप इनमें से किसी को भी देख सकते हो क्योंकि दोनों ही इंटरेस्टिंग है। और मिलता हूँ मैं आपसे फिर किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ध्यान रखो अपना, बाय।